हेलो गाइस, मेरा नाम है चंद्रसेन। इस वक्त हम लोग खड़े हैं सेक्टर 80 कॉन्सेंट की एक्चुअल साइट पर। सो गाइस, अभी साइट पर मैं आपको दिखाऊंगा साइट के क्या अपडेट है। सो चलते हैं साइट के अंदर। मैं कैमरामैन भैया को बोलूंगा एक बार दिखाएं जरा, इस साइट को पूरा कवर करें। ये काम स्टार्ट हो गया है साइट के ऊपर। ये कॉन्सेंट की साइट है जहाँ पर कॉन्सेंट अपना नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। अगर मैं साइट की बात करूँ तो ये बिल्कुल ठीक मेरे सामने है ऐलान का कॉमर्शियल मार्काडो, जो कि अभी फंक्शनल हो चुका है और ये NH8 पर है। और मेरे ठीक सामने है गोदरेज का प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक जहां मैं फिंगर कर रहा हूं। दिस इज द लोकेशन ऑफ कर्मा लेक एंड यहां पर है 270 एकड़ के अंदर आपका गोल्फ। और बिल्कुल ये आपको जो आपको थोड़ा दिख रहा होगा कैमरे में, यहीं पर आ रहा है शोभा का प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट जो अभी शोभा 32 एकड़ के अंदर लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये लोकेशन कितनी प्राइम मिलने वाली है। देखिए, हम लोग घर तो कहीं भी खरीद सकते हैं लेकिन नेबरहुड आपका कैसा रहेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो नेबरहुड रहने वाला है वो रहेगा शोभा का। अब ये लोकेशन अपने आप में प्राइम क्यों है, मैं प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस लोकेशन में क्यों इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। आप एक इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं तो आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए, ये जो लोकेशन है ये कर्मा लेक से बिल्कुल सटी हुई लोकेशन है। कर्मा लेक यहाँ से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पर आती है। आपके बालकनी से जो व्यू आपको मिलेगा फोर एवर ग्रीन, विच इज़ कर्मा लेक 270 एकड़ गोल्फ व्यू। अब ये जो गोल्फ व्यू है ये हमेशा आपको ग्रीन ही रहने वाला है, इस वजह से ये जो लोकेशन है ये बहुत प्राइम हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर प्रोजेक्ट को डिटेल्ड में समझेंगे। डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके साइज में आपको बताऊंगा, इसके अंदर प्राइस क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे होने वाली है। सभी ने बहुत बार सुना होगा इस रामपुरा फ्लाईओवर का नाम, क्योंकि यहीं से जब हम लोग लेफ्ट लेते हैं तो ये लोकेशन आगे जाके सेक्टर 79 को कनेक्ट करती है। तो प्रोजेक्ट आने वाला है उसकी एग्जैक्ट साइट पर। लोग आ चुके हैं मेन रोड के ऊपर जहां से आपकी इस प्रोजेक्ट में एंट्री होने वाली है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कॉन्सेंट की साइट है। अगर मेरे बैक साइड में आप देखें, ये वाला जो रोड है सीधा आगे चला जाता है सेक्टर 79 और 79B के अंदर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, वहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एंथ्रियम का प्रोजेक्ट वहाँ पर है, बेस्टर का प्रोजेक्ट वहाँ पर है, सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर है, गोदरेज का प्रोजेक्ट वहाँ पर है। अगर उनकी भी डिटेल आपको चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको उसकी पूरी डिटेल आपको देगी। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके NH48 से भी आती है और SPR रोड से भी आती है। अब प्रीमियमनेस की बात करें, हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर कि ठीक पीछे इस लोकेशन में आपको कर्मा लेक मिलती है। अब कर्मा लेक की वजह से ये जो लोकेशन है ये बहुत प्राइम बन जाती है। आज इसके अंदर अगर बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं मिलेंगी, केवल 4 टावर आ रहे हैं। 4 टावर के अंदर 5.5 से 6 एकड़ के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है तो बहुत जल्दी बिकने वाला प्रोजेक्ट है। इसके अंदर EOI के चेक्स लगने वाले हैं, तो आज सही समय है कि आज यहाँ पर अपना EOI दे करके आज अपना जो रेट है आप उसे यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस साइट पर आपको जो मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको जो रहेंगे वो आपके 4 टावर रहेंगे। इन 4 टावर के अंदर जो टाइपोलॉजी रहेगी वो आपकी 2 टाइप की रहेगी। आपको 3BHK यहाँ पर मिलेगा 1980 स्क्वायर फिट से लेकर के 2350 स्क्वायर फिट तक के। ये टेंटेटिव साइज है। एक्चुअल साइट साइज की अगर हम लोग बात करें तो तभी मिलेंगे जब लॉन्च करेगा बिल्डर, लेकिन साइज अप्रॉक्स इतने ही रहेंगे। 4BHK का जो साइज आएगा वो 2500 स्क्वायर फिट से लेकर के 2800 और 3000 अप्रॉक्स आपके साइज रहेंगे। 4BHK के साइज की हम लोग बात कर रहे हैं। सो गाइज, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने का, क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, प्रीमियम लोकेशन के ऊपर है। और आपने ना अभी गुड़गांव के अंदर हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर चेक्स भी दिए हो, चाहे AMR हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे DLF हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे आपका क्रिसुमी हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट रहा हो सकता है आपको इन्वेंट्री मिली हो सकता है आपको यूनिट
ना मिली हो सकता है आपने पेमेंट प्लान की वजह से आपने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया हो सकता है कि रेट आपको बहुत ज़्यादा लगा हो तो आपने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आपने मायूस होकर उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया या फिर आपको इन्वेंट्री नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आज गुड़गांव की मार्केट के अंदर 15,000 से लेकर के और 20,000 तक का जो प्राइस है वो बहुत आम हो गया है। आपको अक्सर सुनने को मिलेगा 16,000 17,000 पर 20,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं। लेकिन कॉन्सेंट इस प्राइम लोकेशन के ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट लेकर के आया है इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा सांसों को रोक लीजिएगा क्योंकि जो प्राइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप हो सकता है कि आप उछल पड़े उस प्राइस को सुन करके, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डर ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर जहाँ पर शोभा अपने प्रोजेक्ट को 25,000 से 30,000 पर लॉन्च करने की बात कर रहा है, वहीं पर कॉन्सेंट अपने प्रोजेक्ट को सॉफ्ट लॉन्च के अंदर 14,000 रुपए पर लेके आया है। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ये कम से कम 17,000 से 18,000 के ऊपर लॉन्च होने वाला है। तो अभी ये शुभ मुहूर्त है आपको यहाँ पर चेक देके अपने प्राइस को रिजर्व करने का, लॉक करने का, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत ज्यादा यूनिट इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है और ये प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर बिकने वाला प्रोजेक्ट है। तो आज यहाँ पर अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो स्क्रीन पर मेरे नंबर यहाँ पर चले हुए हैं, आप उन पर फोन करके किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देख, अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन सटीक आपको मिली है, वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए। और फ्यूचर में जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है जब मैंने शोभा की वीडियो बनाई थी कि हम लोग न्यू लॉन्च के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, तो उसी सीरीज की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने न्यू लॉन्च के अंदर सेक्टर 80 की वीडियो बनाई है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।